गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये मेकअप लुक जो कि है करवा चौथ के लिए। तो एंड आप किसी भी फेस्टिव ओकेजन के लिए ये मेकअप कैरी कर सकते हैं, बीट दिवाली और अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स लाइंड अप हैं, आप किसी भी फेस्टिवल के लिए ये मेकअप लुक कैरी कर सकते हैं और इनफैक्ट अभी शादी सीजन आ रहा है तो आप उसमें भी ये मेकअप लुक कैरी कर सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए चले चलते हैं वीडियो की ओर एंड देखते हैं ये मेकअप लुक मैंने कैसे अचीव किया है। स्टार्ट करेंगे विद मॉइस्चराइजिंग द फेस। उसके लिए मैंने हिमालय का बेबी क्रीम यूज़ किया है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग इससे मिलता है। मेरी ड्राई टू मीडियम टू ड्राई स्किन है तो इससे अच्छा मॉइस्चराइज होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इनसाइड का प्राइमर यूज़ किया है ऑन माय टी जोन। बहुत ज़्यादा मुझे ओपन पोर्स नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा प्राइमर नहीं यूज़ करती हूँ। के बाद मैंने ये मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल लिया है, से थोड़ा टाइम देके अपनी आईब्रोज को अच्छे से मैंने शेप कर लिया है। उसके बाद ये मैंने मेबलिन का 24 आवर्स स्टे फाउंडेशन लिया है। बहुत ज़्यादा ड्राई है तो जो जिसकी भी ड्राई स्किन है ये फाउंडेशन मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा जिसकी ड्राई स्किन है वो ये फाउंडेशन अगर आपको चाहिए तो आप इसको मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग फाउंडेशन है। मैट फिनिश एकदम इसका आता है। अगर आप मैट फिनिश के इफ़ यू आर नॉट अ फैन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस एट ऑल। तो मैंने ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, बहुत ही शेयर इसकी कवरेज है एंड बहुत ही ज़्यादा ये इजी है टू ब्लेंड। जिस भी ये मुझे रिक्वायरमेंट है वहाँ पर मैंने इसे अप्लाई कर लिया, जैसे अंडर आई आईलेट पर भी मैं अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी आई शेडो को अच्छा सा बेस मिले। उसके बाद मैंने मेकअप रिवोल्यूशन का पैलेट लिया है, इसमें से जो सबसे लाइटेस्ट शेड है उससे मैं अपने आईलेट्स को सेट कर लूँगी पाउडर जो है प्रॉपर। उसके बाद मैंने ये लाइट पीची शेड लिया है जिससे मैं अपने बिल्कुल आउटर लिड पे इसे अप्लाई करूँगी। बहुत स्लो हमें अपनी आईलेट्स को, सबसे ज़्यादा टाइम हमें अपने आई मेकअप में ही लगता है एंड सबसे ज़्यादा लुक अच्छा आता है जब हमारा आई मेकअप अच्छा होता है। तो आई मेकअप को करने के लिए टाइम दें एंड स्लोली इसे बिल्ड करें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना लगाएं एक बार में। उसके बाद मैंने ये बहुत लाइट ब्राउन सा शेड लिया है जो कि ट्रांजिशन शेड के जस्ट ऊपर रहेगा। इससे क्या होता है हमारे आईलेट्स को थोड़ी डेप्थ मिलती है। उसके बाद मैंने इसी पैलेट में से पर्पल शेड लिया है जो मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है एंड क्लोज टू लैश लाइन उसको मैंने अप्लाई कर लिया है, थोड़ा डार्क को बिल्ड कर लिया है धीरे धीरे। उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से ब्राउन शेड लेकर इसकी जो भी हार्श लाइन है उनको ब्लेंड कर लिया है, जो हमारे ऊपर वाले हमने ट्रांजिशन जो भी हमने शेड्स लिए थे उससे हमने इसको अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड कर लिया। कोई भी हार्श लाइन नहीं है हमें रहने देनी है, इसको जितना टाइम लगे उसको देना है। इसमें सेम पैलेट में से मैंने पर्पल शिमर शेड लिया है, बहुत हल्का सा, इसमें शिमर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हल्का सा, बट वो थोड़ा डार्क है तो जस्ट उसकी डेप्थ के लिए मैंने इसको इसके ऊपर अप्लाई किया फिंगर्स की हेल्प से। उसके बाद मैंने एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ब्राउन शेड के साथ। तो मैंने लोअर लैश लाइन पर भी सेम ही आई शेडो को अप्लाई कर लिया है। अच्छे से अप्लाई कर ले हैं
लोअर लैश लाइन का। इसके बाद मैंने ये फेसेस कैनेडा का आई लाइनर लिया है। जो भी आपके डिज़ायर्ड शेप हो आईलाइनर की, उस शेप में आप इसको अप्लाई कर लीजिए। बहुत अच्छा आईलाइनर है ये, वाटरप्रूफ है। एंड फिर मैंने कोलोसल काजल लिया है, जिससे कि मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर, लोअर वाटर लाइन पर टाइट लाइन इसको मैं कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसका हमें बाहर नहीं डालना है, इसे वाटर लाइन पर ही हमें इसको अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने ये वीगा का आईलैश कर्लर लिया है। आईलैशेस अप्लाई करने से पहले ही मैं कर्लर यूज़ कर लेती हूँ, प्लस मस्कारा भी आईलैश अप्लाई करने से पहले ही कर लेती हूँ, ताकि आईलैशेस में जो फॉल्स आईलैशेस हैं और हमारी नेचुरल आईलैशेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप ना रहे। एंड जो भी फॉल आउट हमारा हुआ है आईलैशेस पे, उसका कलर विजिबल ना रहे हमारी जो फॉल्स आईलैशेस हैं उनके अंदर से। एंड लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा यूज़ करना ना भूलें। उसके बाद ऑफ कैमरा ये आईलैशेस अप्लाई कर लिए। ये शुगर का कॉन्टोर पैलेट यहाँ पर लिया है, अपने फेस को शेप में दे दूँगी। नोज़, अपना चीक बोन्स एंड फोरहेड, जो यूजुअल एरियाज हैं, वहीं पर कॉन्टोरिंग प्रॉपर तरीके से कर लूँगी। मैं पाउडर कंट्रोल प्रेफर करती हूँ क्रीम कंट्रोल के उससे, क्योंकि ये रियल आई से देखने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि क्रीम कंट्रोल जो है, अगर हम रियल फेस टू फेस देखते हैं तो वो हमें दिखता है। उसके बाद मैंने ये फिटमी का ब्लश लिया, बहुत ही अच्छा पीची शेड में, पीची पिंक के शेड में ये ब्लश है। तो अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे प्लस नोज़ पर भी हल्का सा मैं अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपको नोज़ पर नहीं पसंद है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मेकअप रिवोल्यूशन का ही हाइलाइटर लिया है, तो अपनी चीक बोन्स पर अब जस्ट ब्लश से हल्का सा ऊपर इसको अप्लाई कर लिया है, ब्रिज ऑफ द नोज़ पर। एंड लिप्स पर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, लिप्स पर जस्ट ऊपर। उसके बाद मैंने ये स्मज ब्रश लिया है, जिसकी हेल्प से मैं अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर्स पर भी हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। मेकअप रिवोल्यूशन का ये मैंने ड्यू फिनिश मेकअप फिक्सर लिया है। मेकअप रिवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए मेरी किटी में बहुत ज़्यादा मेकअप रिवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स रहते हैं। ये शुगर का मैट लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, मैंने अपने लिप्स को ऑलरेडी मॉइस्चराइज़ किया हुआ था तो ये ईज़िली इसीलिए ग्लाइड हो गया। अगर आप ये मैट शुगर का मैट लिपस्टिक लेते हैं तो आप अच्छे से अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करना एंड मॉइस्चराइज़ करना ना भूलें, ये फिर बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो जाता है लिप्स पर। मैं धीरे से टाइम लेकर अपनी लिप्स को अच्छे से शेप दे दूँगी। मैं अपनी लिप्स के नेचुरल शेप पर ही ये लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा ओवरड्रॉ नहीं करती हूँ। उसके बाद मैंने ये लुक पेयर किया है विद बिंदी एंड